हाँ जी बोलिए जतिन, मैं अमरजोत बोल रहा हूँ। आप अपनी आवाज, आपको आ रही मेरी आवाज? हाँ हाँ बराबर आ रही है सर। हाँ, बताएं बताएं क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने मोहाली में कनाडा के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था सर। तो मेरा मेरा वर्क परमिट ऐसे फ्री में था, कुछ पैसा नहीं देना था। तो क्या हुआ, मेरे से पहले पहले वीजा देने के बाद मुझे पैसा बोला है। जैसे जैसे पैसा, खाली एमबीसी का फी चार्ज लेने के लिए बोला था और कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए नहीं बोला था मुझे। हाँ तो मेरा वो वर्क परमिट का वो आ गया है, मेरा ऑफर लेटर आ गया है। कनाडा कॉर्पोरेशन से मैसेज आया था। हेलो। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अपनी बात पूरी करते रहे, आप सुन रहा हूँ बात ध्यान से। हाँ, पैसा आ रहा था, मेरा बात हुआ था मेरे साथ। तो मुझे बोला कि आपका लेटर आ गया है, ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर लेने के लिए मैं गया था, तो मेरा ऑफर लेटर चेक करना है कि क्या सही है या गलत है। आपका ऑफर लेटर मैंने चेक कर लिया, वो बिल्कुल बोगस और फेक है सर। है, फेक है वो। हाँ, सर वो मेरा पैसा उधर मैंने दिया था, वो एनडीसी में दिया था। 17,000 रुपये दिए थे मेरे से, 12,000 रुपये। पैसा पैसा किसको दिया आपने? पैसा हाँ किसको दिया आपने? वो मोहाली में कंसल्टेंसी को दिया था मैंने। हाँ, पैसा आपने दिया है तो उनसे पैसा आपका डूब गया। आप मोहाली से आपका पैसा अगर आप निकलता है तो निकलवा लो। जो जो जॉब आपको दिया है वो बोगस है, फेक है वो। ओके ओके। वो मुझे बता रहे थे कि आप कॉल कर सकते हो। किसे किसे कॉल कर सकते हैं? कॉल करना किसे? हाँ, वो जो नंबर बम्बर एड्रेस एड्रेस दिया था ना, उधर कॉल करने के लिए बोला था कि आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मुझे बता। वो उससे उससे कहना कि कॉल हमें नहीं करना, अगर कॉल करवाना उसे कहना मेरे को कॉल करे डायरेक्टली, लेकिन जो कागज दिया है वो सब नकली है। ओके। और लीमिया भी मुझे दिया है, लीमिया भी आ गया था मेरा, लीमिया वो भी दिया है। हाँ, वो भी नकली है। हाँ, दोनों दोनों नकली है, बाकी मर्जी आपकी है। अगर आपको 17,000 रुपये उनको दान करने हैं तो छोड़ दो, लेना है तो लेके आ जाओ वापस, आपकी मर्जी। हाँ, वो मुझे एमबीसी में, अभी एमबीसी से कॉल आएगा, वो बोल रहा है एमबीसी से कॉल आएगा और उधर आना पड़ेगा एमबीसी में, और अपना जो मेडिकल मेडिकल करवाना पड़ेगा। भाई साहब, एम्बेसी वालों को इतनी फुर्सत है कि आपको कॉल करेंगे वो है। नहीं, वो बंदा ही बोल, जो उधर उधर का बंदा है वो ही बोलेगा कि आप इधर आ जाओ और एमबीसी में आपका पूरा मेडिकल होगा। जो आपने मेरे से पूछा मैंने आपको अपना जवाब दे दिया, जो आपको करना है कर सकते हैं भाई। ओके सर। जो जो आपके जो आपने मेरे को कागज दिए, जॉब ऑफर दिया, वो सब बोगस है, फेक है। ऐसा जॉब ऑफर तो मैं भी घर पे बना दूं आपको 2 मिनट में। हाँ, सर ठीक है, बात सही है सर। मैंने खाली आपको जो एड्रेस भेजा था, उधर का जो एड्रेस था ना कंपनी का, वो कंप्यूटर साइंस ऑफ कनाडा उसका। वो एड्रेस तो गूगल से कोई भी देख सकता है, गूगल से देख के कोई भी एड्रेस टाइप करके डाल वो देगा। सही है, वो एड्रेस है उधर है या नहीं है? नहीं, मेरे को पता नहीं है, मैं उस जगह पे रहता नहीं हूँ। मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि वहां जाके एड्रेस चेक करूँ कि नहीं है, कि अच्छा है, कि कैसा है, सही है कि नहीं है। पर जो जो उनका जो लेटर है वो बोगस है। एड्रेस एड्रेस आप चेक करने के लिए या तो किसी आदमी को भेजो, चेक करो वहां पर, देखो कौन है वहां पर, या किसी को फोन करवाओ, ईमेल करवाओ, किसके पास इतना टाइम है। ओके पर जो आपका LMIA है और जो जॉब ऑफर है वो बोगस है। सर, ठीक है सर। तो 17,000 आपके जो गए जाके 17,000 में से जितने मिलते हैं लेकर अपना हाँ, अपना साइड। ESDC कुछ आता है, ये सिक्योरिटी पेमेंट रखने के लिए कुछ आता है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता। हाँ, वो बता रहे थे ESDC भी सिक्योरिटी पेमेंट आपको रिफंडेबल है, आपका नहीं होगा तो वो रिटर्न हो जाता है। तो उससे कह दो भाई रिटर्न कर दो, अभी जो करना रिटर्न कर दो।
ओके ओके सर, वही दे वही पूछना था सर। और कुछ मेरे लिए, और कोई खास बात? नहीं नहीं सर, वही पूछना है। अभी मुझे परसों मुझे कॉल आया था लीगल एडवाइजर से, तो वो मुझे बता रहे थे कि आपका फाइल एमबीसी में भेजा है, जब एमबीसी से बात हो जाएगा और मैं आपको बुलाऊं तभी आप डायरेक्ट मेरे साथ एमबीसी में आना, पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके मैं भी साथ में चलूंगा एमबीसी में। अच्छा, वो लीगल एडवाइजर कौन से, कोई कहाँ के लीगल एडवाइजर है भाई वो? कोई ये मोहाली के लीगल एडवाइजर है? व्हाट यू मीन लीगल एडवाइजर? वो कंसल्टेंसी का एडवाइजर है, वो लीगल एडवाइजर। वो लीगल एडवाइजर कह रहा है कि वो एम्बेसी चलेगा साथ। वाह क्या बात है। सही है। उसको कहना कि भाई, उसको कहना कि भाई मेरे को कॉल कर लेगा, जो कॉल करना है उसको एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऐसा ना हो कि एम्बेसी जगह कहीं और जेल जाना पड़ जाए उसको कहीं। हाँ ठीक है सर, तो मैं क्या आपको जब भी मैं जाऊंगा तभी यही टाइम पे आपको कॉल कर सकता हूँ सर? कहाँ जाना है? उधर चंडीगढ़ मोहाली जाना, मोहाली जाऊंगा तभी। हाँ कब जा रहे हो वहाँ पर? अभी बोल रहे 10-12 दिन के बाद, यानी कि अगले महीने के लिए बोल रहे हैं। हाँ ट्राई कर लेना, अगर होगा मैं जरूर, मैं ऑनलाइन हमेशा नहीं होता हूँ, लेकिन आप ट्राई कर लेना। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। और ठीक है, बाकी सब ठीक है गुजरात में? ठीक है, लहर कैसी वहाँ पर, भाजपा की लहर है कि तू? अभी इधर का तो भाजपा का जोर चल रहा है, मोदी मोदी चल रहा है आगे। अच्छा, सब जगह मोदी के नारे लग रहे हैं। अच्छा, सही बात है। ठीक है, चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप करें एंजॉय फिर अपना टाइम, और बता दिया मैंने जो बताना था। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, बाय। आप